हाय गाइस, तो ये हमारा डे 10 है क्विज़ का ऑफ 150 क्वेश्चन सीरीज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम गवर्नेंस पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन को। तो जो ये सेक्शन है ये काफ़ी बेसिक सेक्शन होता है, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन में से, बट जिस स्टूडेंट को काफ़ी नॉलेज हो जैसे पॉलिटिक्स के बारे में या करंट अफेयर्स आज इनकी क्या चल रहा है गवर्नेंस में, क्या सेक्शंस होते हैं, क्या हायर एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करने की बॉडी है, सो ये क्वेश्चन सारे ओरिएंटेड होते हैं गवर्नेंस पॉलिटिक्स और हायर एजुकेशन सिस्टम को लेके ही। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक ऑन दी बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और आप उस पर हम अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं और हम डेफिनेटली आपको असिस्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन 46 को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन, पहला ऑप्शन है इंग्लिश ओनली, दूसरा है हिंदी ओनली, थर्ड है इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, और फोर्थ है ऑल द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही आंसर बताने से पहले मैं आपको उससे डिस्कस करना चाहती हूँ कि 8th शेड्यूल जो बात करी गई है इस ऑप्शन में वो होता क्या है। तो 8th शेड्यूल में 22 स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये स्पेसिफिक लैंग्वेजेस है कि इन्हीं लैंग्वेजेस में आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, पर अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट में किस लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो वो इंग्लिश, हिंदी और मदर टंग होती है। अगर स्पीकर को ना ही इंग्लिश आती है ना ही हिंदी आती है, सो ही हैज़ बीन गिवन द प्रिविलेज टू टॉक इन हिज मदर टंग। वो अपनी मदर टंग में भी ट्रांजैक्ट कर सकता है पार्लियामेंट में। पर ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है और ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें इंग्लिश एंड हिंदी बोथ है, यहाँ पे मदर टंग का जो पार्ट है वो मिसिंग है। और 8th शेड्यूल, अगर आप सोचें कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये ऑप्शन है ये क्यों नहीं वैलिड है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि हर एक चीज़ का रीज़न होता है, इम्प्लाइड रीज़न होता है। तो इसका रीज़न है कि 22 स्पेसिफिक लैंग्वेजेस है इसमें। तो सपोज़ अगर कोई ट्राइबल एरिया से लोग है, ट्राइबल एरिया से स्पीकर है, और वो ट्राइबल एरिया की जो लैंग्वेज है वो 22 स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है, तो ना ही वो इंग्लिश यूज़ कर सकता है क्योंकि उसको आती नहीं होगी ट्राइबल एरिया के पर्सन को, ना ही वो हिंदी यूज़ कर सकता है और ना ही वो अपना मदर टंग यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो 22 स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं होगी। तो ऐसे लोग क्या करेंगे फिर बिजनेस इन पार्लियामेंट। तो दैट इज़ वाई 22 स्पेसिफिक लैंग्वेजेस का जो ये 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये यहाँ पे वैलिड नहीं है। इसका आंसर ये नहीं हो सकता है क्योंकि मदर टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आपको हिंदी नहीं आती, तो स्पीकर हैज़ बीन गिवन द प्रिविलेज टू टॉक इन हिज मदर टंग। इंग्लिश ओनली भी गलत ही है, हिंदी ओनली भी गलत ही है। अब अगर हमें बेस्ट आंसर चूज़ करना है, अगर हमें बेस्ट आंसर चूज़ करना है गिवन ऑप्शंस में से, तो वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ऑप्शन सी ही होगा। ऑल दो इसमें भी मदर टंग वाला पार्ट मिसिंग है कि अगर इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो द स्पीकर कैन ट्रांजैक्ट इन हिज मदर टंग। Now, moving on to question 47, the chief source of political power in India is, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है for the people, by the people and of the people। तो ये जो चीज़ें हैं ये people के लिए है कि प्रियम्बल में लिखा है government of the people, government by the people and for the people। तो इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया इज़ पीपल, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पावर्स होती है। वी हैव द पावर टू इलेक्ट आर MPs एंड वी हैव द पावर कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमें गवर्न करेगी, किस पॉलिटिकल पार्टी के अंडर वी वांट कि वो हमें अपने डिसीजन से हमको बाइंड करे। तो चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया इज़ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं हो सकते आंसर्स, क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में ही कि प्रियम्बल में इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो पीपल इज़ द चीफ सोर्स जो कि इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, इलेक्ट करता है पॉलिटिकल पार्टी को।
Now the next question is question 48, which is NAC is headquartered in. So NAC ki jo full form hoti hai, wo hoti hai National Assessment and Accreditation Council. So ye NAC jo hai, ye ek council hai, ye established kiya tha UGC ne in 1994. So iska role kya hota hai, iska purpose kya hota hai? इसका purpose होता है कि वो assess करते हैं और accredit करते हैं higher education institutions को. तो कई बार ये आपने देखा होगा कि आपके colleges में NAC committee आ रही होती है और तभी काफी ज़्यादा focus आपके college department का, college administration का cleanliness पे हो जाता है. क्योंकि NAC जो है वो assess करती है और accredit करती है, हर एक college को grades मिलते हैं depending upon the faculty, depending upon the infrastructure, depending upon the cleanliness. तो काफी सारे parameters होते हैं जिस पे NAC committee आपके college को assess करेगी और accredit करेगी. तो जो NAC है इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस है कि आपके जो एजुकेशन सिस्टम में आपके जो इंस्टीट्यूट्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया NAC इज देयर. सो NAC का जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलुरु में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच इज एपीआई स्टैंड्स फॉर. एपीआई का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी. बट एपीआई होता क्या है? एपीआई होता है कि ये एक स्कोर होता है, ये एक इंडिकेटर होता है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट के परफॉर्मेंस को लेके जो आप स्कोर देते हैं. एपीआई में स्कोर्स मिलते हैं और ये रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए होता है. तो बेसिकली आपने देखा होगा कि आजकल जब भी कोई कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करता है तो उसकी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एपीआई स्कोर्स. एपीआई स्कोर्स स्क्रीनिंग करते हैं, वो स्कोर्स देते हैं फॉर रिक्रूटमेंट पर्पसेस एंड द वंस हु क्लियर दैट स्कोर, हु पासेस दैट स्कोर, उनको कंसीडर किया जाता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बी द हेड ऑफ द स्टेट, सी द हेड ऑफ द पार्लियामेंट एंड डी द हेड ऑफ द जुडिशरी. तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है. एक होता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म और एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म. अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म में आप अपने MPs को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो देयर आर 543 MPs जो कि कलेक्टिवली एक म्यूचुअल डिसीजन के साथ, जिस पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी होती है, फिर MPs PM चूज करता है. तो वी आर चूजिंग आर प्राइम मिनिस्टर थ्रू MPs, जो कि हम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, जो ये MPs है वो हम सिलेक्ट करते हैं और फिर वो कलेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं जिस पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी होती है उस बेसिस पे. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे होते हैं वो USA में होता है ये सिस्टम. वहां पे ये लोग डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. तो ये प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है. तो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर, तो USA के लोग डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को वोट करके, उसको इलेक्ट करके उनको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं. तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों ही है. अब इसका जो एडवांटेज होता है बेसिकली प्रेसिडेंशियल फॉर्म का, वो होता है कि फास्टर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, काफी फास्ट डिसीजन मेकिंग है. बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो रैंडम डिसीजंस लेने लग जाए अपने कंट्री के लिए, तो कोई चेक करने के लिए नहीं है उस प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को. पर यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म है जहां पे इंडिया फिट इन होती है. तो इंडिया में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो उसके पास काफी डिसीजन मेकिंग पावर है, काफी सारी पावर्स है. बट वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें इसके लिए प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट से मोस्ट ऑफ द डिसीजंस पे, की डिसीजंस पे उनके सैंक्शन चाहिए होते हैं, उनका साइन चाहिए होता है. एंड इसलिए उनको सेफगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और फर्स्ट सिटीजन ऑफ दी कंट्री भी. तो ये सेफगार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. सो बेसिकली प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को उनके पावर्स की मिस यूटिलाइज ना हो, मिस यूज ना करे वो अपनी पावर्स को, इसके लिए प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है और प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट. सो इसका आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका आंसर है कि प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 5 क्वेश्चंस. And do subscribe to our channel for further videos, for regular updates. If you like my video, then press the bell icon. Join our Telegram group and कोई भी अगर आपको query होती है, so do message us on our Telegram group and we'll definitely assist you. Thank you.